अभी हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं मेश एनालिसिस का. ना देखो पिछले जो सम्स था वो थोड़ा सा लेंदी था, उसमें जितना हो सके उतना मैं सम्स ऐड कर, मतलब सब अलग अलग टॉपिक्स ऐड करने की कोशिश किया था. ना ये सिंपल सम है, देखो ना ये सिंपल सम है, मेरे को क्या बोला, फाइंड करंट थ्रू 100 ओम्स. अभी ये सम लेने के पीछे रीजन क्या है, एकदम मेरे पास करंट सोर्स है. फाइन, नाउ करंट सोर्स, अभी करंट सोर्स हमेशा बाहर के दीवार बाहर के साइड में होना चाहिए सर्किट के, बट इसमें क्या है, करंट सोर्स जो है अंदर के साइड में. अगर इस तरीके के मेरे पास सम्स आते हैं मेश एनालिसिस में, अंदर वाला साइड में अगर करंट सोर्स आता है तो हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए सुपर मेश का टेक्निक यूज़ करना होता है. बट सुपर मेश आपके अल्टीमेटली अभी मुंबई यूनिवर्सिटी में है नहीं, उसको निकाल दिया गया है पोर्शन से. फाइन, तो सुपर मेश वाला सम है ये. ना सुपर मेश से बचने के लिए और एक ट्रिक होता है. अभी क्या ट्रिक होता है देखो, अभी ये करंट सोर्स हमेशा बाहर के दीवार पर होना चाहिए बट ये अंदर की तरफ है, तो मैं इसको बाहर लेके जा सकता हूँ. कैसे? नौ देखो, ये जो करंट सोर्स का ब्रांच है यहां से लेके इधर तक, और ये जो ब्रांच है ये एक दूसरे को कैसा है, पैरेलल में है, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट इधर कनेक्टेड, दोनों का एंडिंग पॉइंट इधर कनेक्टेड, एक दूसरे को क्या है वो पैरेलल में, दोनों भी ब्रांचेस. तो मैं ब्रांचेस को इंटरचेंज कर सकता हूँ. अगर इस ब्रांच को इंटरचेंज किया तो कैसे दिखाई देगा, देखो ये ब्रांच को अभी ड्रॉ करते हो, इसको सीधा बनाना पड़ेगा मुझे, मतलब 20 ओम एंड 60 वोल्ट एंड 20 ओम्स, और इधर जो करंट सोर्स है ऊपर की तरफ है और वो उसका वैल्यू क्या है, 1 एम्पीयर. सिर्फ क्या किया मैंने, इंटरचेंज किया, और बाकी सर्किट जैसा है वैसे ही बना लेता हूँ मैं. सबके वैल्यूज लिख लेता हूँ, 100 ओम्स 50 ओम्स, देन 40 वोल्ट, और ये 30 ओम है. तो अब मेरे पास तीन मैश दिखाई दे रहे हैं, मेश नंबर 1, 2 एंड 3. अभी करंट सोर्स आता है तो बहुत काम आसान हो जाता है. कैसे? तो पहले मैंने मेश आइडेंटिफाई किया, अब मैं क्या अज्यूम करूंगा, सबका करंट डायरेक्शन क्लॉकवाइज, सब करंट डायरेक्शन क्लॉकवाइज किए और सबको नाम दे दो I1, I2 एंड I3. नाउ देखो, जहां पर भी करंट सोर्स है उधर उस मेश का करंट का वैल्यू वही हो जाता है. जैसे कि यहां पर I1 इज इक्वल टू डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 1 एम्पियर. नाउ अगर समझो फॉर टाइम बीइंग के लिए ऐसे ही कुछ मेश रहता मेरे पास, मेरा डायरेक्शन ऐसा है I1 का, और ये 1 एम्पियर समझो फॉर टाइम बीइंग के लिए कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता, तो इन दिस केस I1 इज इक्वल टू मैं लिखता -1 एम्पियर. समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, सिर्फ करंट डायरेक्शन को अगर ये उल्टा रहता तो और मैंने हम लोग को मैंने क्या बोला था कि हर जगह पर क्लॉकवाइज अज्यूम करो, तो मैं नॉर्मली क्लॉकवाइज अज्यूम करता, बट ये करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब मेरे अज्यूम डायरेक्शन और उसका डायरेक्शन अलग है, गलत है. इसके लिए हम लोग ने I1 इज इक्वल टू क्या लिखा, -1 एम्पियर. फाइन, ये कब, अगर 1 एम्पियर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो, बट अभी ये वाला केस अपने पास नहीं है, तो हम लोग के पास क्या है, I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर. यहाँ से तो ये चीज़ मेरे को मिल गया. अब मेरे पास क्या है, I1 तो मेरे को नोन हो गया, मतलब ये दो अननोन है, तो ये दोनों को मुझे KVL अप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर लिखता हूँ यूजिंग KVL टू सेकेंड मेश, ये वाला मेश के लिए. अभी कैसे करना है, टोटल मेरे पास I2 जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, I2 के डायरेक्शन में ट्रेस करो, पहला आ रहा है 30, तो -30 I2, सेकेंड वाला मेश है, इसमें एक ही करंट फ्लोर है, इधर दो करंट फ्लोर है, एक I2 एंड I3, तो यहाँ पर दो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, तो I2 वाला नेगेटिव और I3 वाला पॉजिटिव, मतलब -50 I2 प्लस 50 I3,
फिर बैटरी आ रहा है, इधर से इधर जंप किया -40, फिर आगे जा रहा हूँ फिर से बैटरी आया, इधर से इधर जंप कर रहा हूँ तो +60, फिर वापस से रेजिस्टेंस आया। नो इधर दो करंट है, I1 है I2 है, तो I2 की वजह से नेगेटिव क्योंकि मेरा डायरेक्शन में है और I1 मेरा अपोजिट डायरेक्शन में, इसके लिए पॉजिटिव। इधर लिखते वक्त मैं लिखूँगा -20I2 +20I1 = 0, क्योंकि मैंने जहाँ से स्टार्ट किया उधर पहुँच गया वापस। अभी मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो कितना हुआ मेरे पास 20I1 देन 30 और 50 80 हो गया, 80 और 20 100 -100I2 देन +50I3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास +20 उधर शिफ्ट हुआ तो -20। बट यहाँ पर I2 का वैल्यू तो नोन है, सॉरी I1 का वैल्यू नोन है, I1 का वैल्यू क्या है मेरे पास 1 एम्पियर, सो 1 एम्पियर को उधर सब्सटीट्यूट कर दो तो 20 × 1 -100I2 +50I3 = -20। नो ये +20 हो गया, +20 उधर शिफ्ट हुआ तो -20 -40 हो तो 100I2 +50I3 = -40, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नो नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, अप्लाइंग KVL टू या फिर यूजिंग KVL टू थर्ड मेश को KVL यूज करना है। तो थर्ड मेश के लिए देखो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस, इधर स्टार्ट करो तो पहले मेरे को 100 मिल रहा है, तो 100 में अभी ये I3 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मेरे डायरेक्शन में I3 है तो -100I3, दूसरा कोई करंट नहीं है। फिर आगे जा रहा हूँ बैटरी आ रहा है +40 क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ। यहाँ पर दो करंट है, 50 में से दो करंट फ्लो हो रहा है, एक है मेरे पास I2 दूसरा है मेरे पास I3, तो इधर लिखते वक्त मैं क्या करूँगा -50I3 +50I2 = 0, तो टोटल मेरे पास क्या हो गया 50I2 -150I3 = ये जो टर्म है उधर शिफ्ट हुआ -40, इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास अभी दो इक्वेशंस हुए, अभी इस दोनों इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, -100 50 -40 then 50 -150 -40, सो मेरे को I2 का वैल्यू जो है 0.64 मिला है एंड I3 का जो वैल्यू है 0.48 मिला है। I2 एंड I3 मिल गया मुझे, फाइन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में क्या पूछा मेरे को, फाइन करंट थ्रू 100 ओम्स। ठीक है, तो 100 ओम देखो कहाँ पर है, इधर I3 के बाहर के दीवार पर है, देयरफॉर करंट थ्रू 100 ओम्स विल बी डायरेक्टली इक्वल टू I3, और I3 का वैल्यू कितना है 0.48 एम्पियर। फाइनली करंट थ्रू 100 ओम्स will be equal to 0.48 एम्पियर। तो इस सब में हम लोग ने क्या देखा एग्जैक्टली, कि करंट सोर्स है हमेशा सॉल्व करते वक्त बाहर के लेवल पर होना चाहिए, तो उसके पैरेलल में जो भी ब्रांच रहेगा उसके साथ हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज कर दिया फिर सिंपल हो गया, और इधर मैंने क्या अप्लाई किया मेश एनालिसिस। फाइन, नाउ ये जो पार्ट है ये पार्ट क्यों दिखाया, बिकॉज यहाँ पर करंट डायरेक्शन मेरे अज्यूम डायरेक्शन से मैच हो रहा था इसके लिए +1 लिया, अगर ये उल्टा रहता तो मेरे को यहाँ पर माइनस साइन देना पड़ता क्योंकि अज्यूम डायरेक्शन और वो अपोजिट में है इसके लिए। फाइन, तो वैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नोडल एनालिसिस के कुछ सम्स देखेंगे।